कि इधर के लोग साथी हैं, लेकिन आपने सफदरजंग का झंडा, मोहम्मद अरबी का झंडा खाने कहां में भी बैतुल मुकद्दस में भी लगाया। बात क्या है, अगर हमारा और आपका रूहानी कॉन्टेक्ट रहा हजरत शिबली अमीर से हो तो हजरत शिबली अमीर फरमाएंगे, ये लोगों सुन लो, वो दौर इसहाक अलैहिस्सलाम का था, वो दौर इस्माइल अलैहिस्सलाम का था, वो दौर बता हुआ था। ये बटने वाले नबी नहीं आए हैं, ये एक झंडा मैंने इसलिए लगा दिया था कि जो लोग बटे हुए थे मोहम्मद अरबी के झंडा आ गया है, सब लोग एक झंडा के साथ हो। और यही रिवायत चली आई कि लोग अपने घर में रोशनियां करने लगे, झंडा लगाने लगे, और झंडा वो उसी का लगाता है जिससे वो मोहब्बत करता है, चाहे वो दुनियावी माहौल हो, दीनी माहौल हो, इस्लामी माहौल हो। अगर कोई किसी बुजुर्ग से मोहब्बत करता है तो वो बुजुर्ग के नाम का झंडा लगाता है, कोई किसी वली से मोहब्बत करता है तो उस वली के नाम का झंडा लगाता है। मुझको गरीब नवाज से मोहब्बत है, मैंने चिश्तिया रंग बढ़ाओ, कौन सी झंडा, यानी तमाम लोग जिसको जिससे मोहब्बत है उसका झंडा लगा रहे हैं। मोहम्मद अरबी को जिससे मोहब्बत है वो रसूल कायनात का झंडा लगा रहा है, और उनका विलादत मनाना, झंडा लगाना, असल खुदा की हम 12 वफात समझ कर नहीं बनाते बल्कि 12 विसाल समझ कर बनाते, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे नबी मरे नहीं है, जिंदा है, जैसे कल वो जिंदा थे वैसे आज जिंदा है, असल भर कयामत तक जिंदा है। और उस और महफिल उनका मनाया जाता है जो लोग जिंदा होते, और जिंदा लोग ही दिन मनाते। और अल्लाह ने तो जमीन पर ये हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को छूए, यानी कब्र में जो जमीन है उसमें हराम है कि वो नबियों के जिस्मों को छूए। आप एक अदना सही जो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ, अदने दर्जे का सही जो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ, उसके ताल्लुक से कलामे पाक कहता है 12 नंबर 2 सूरह बकरा 2 नंबर 2 वला तकूलू लिमन तुक्तलू फी सबीलिल्लाह, कि जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाए उसे मुर्दा मत कहो, वो जिंदा। कहीं अल्लाह ताला कहता है वला तहसबन अल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवात, कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उसे तुम मुर्दा गुमान भी ना करो। समझना तो, मानना तो, तसव्वुर में लाना तो, बस गुमान भी मत करो। क्यों? इसलिए कि बल अहयाउन इंदा रब्बिही युरज़कून, इसलिए कि वो जिंदा है और अल्लाह ताला उसे हिस्सा है। समझने के लिए कुरान शरीफ पढ़ना पड़ेगा, हदीस पाक का मुताला करना पड़ेगा। मैंने फिर जुमला बोला कि मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा है, और इस बात को मैं साबित कर बात में अपने मुस्तों को बताऊंगा। अल्लाह ताला ने अमन आयत करीमा तिलावत की कुल में फضل الله व برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من ما يجمعون। अल्लाह ताला कहता है तुम मेरी फजल और रहमत पर खुशी बनो। अल्लाह ताला ने अगर अच्छी सेहत दी है तो ये भी रहमत, अल्लाह ताला ने पैर हाथ सलामत दिए हैं तो रहमत है, आंख कान नाक ये चीजें सलामत है तो रहमत है। और आप अगर गौर करेंगे तो इस ढांचे में एक बदली इंसानी है, अल्लाह ताला ने इस ढांचे में पैर की जगह को, हाथ की जगह को, नाक कान की जगह को मुकर्रर कर रखा कि पैर की जगह यहां रहेगा, यहां रहेगा, हाथ की जगह यहां, मुंह की जगह यहां, कान की जगह यहां, नाक की जगह, यानी हर चीज की जगह मुतय्यन है कि ये यहां पर होगा इंसान के जिस्म। आपको मालूम है पैर की जगह ये है, हाथ की जगह ये है, नाक कान की जगह ये है। अब बताइए अल्लाह ताला ने इस ढांचे में, इस बदन में, इस बॉडी में रूह की जगह कहां रखी है? आप कहेंगे रूह की जगह दिल में है, रूह की जगह दिल में है, और वो है जिसकी वजह से इंसान मुतहर्रिकुल इरादा है,
रूह है तो इंसान चल चुका है, रूह निकाल ली गई काम तमाम। अब आप में से कोई आदमी खड़ा हो कोशिश करे तो रूह की जगह को फ्रिज खाँच कर किसी तरह पैर की जगह बना करके रख दें, और फिर पैर की जगह को खींच खाँच करके किसी तरह रूह की जगह बना करके रख दें तो ये हो सकता है? नहीं। पता क्या चला? जो पैर की जगह है, पैर का जो मस्तन है, वहां पर रूह का मस्तन नहीं हो सकता। जो पैर का जगह है, जो पैर का घर है, वहां पर रूह का घर नहीं बन सकता। बस यही जुमला आप जहन में रखें, इंशाल्लाह आपको बात समझ में। हजरत मलकुल मौत, जो मैंने बात कही थी कि मेरा नबी जिंदा है और जिंदा है, हजरत मलकुल मौत जाहिर अली पर नबी कायनात की बारगाह में हाजिर है, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी रूह लेने आया हूं। ए मलकुल मौत, क्या रब का यही हुक्म है? हाँ या रसूल अल्लाह, रब का यही हुक्म है। हजरत मलकुल मौत कहते हैं कि मैंने नबी कायनात की रूह को कब्ज किया और अपने मलकुत की कटोरे में रखा। अब हम मलकुल मौत जाए तो जाए कहां? सबसे पहले आसमान अव्वल में कहते हैं, आसमान अव्वल नबी की रूह लेकर आया हूं, जरा रखने की जगह दे। आसमान अव्वल ने मुस्कुराकर के जवाब दिया, ये मलकुल मौत, आसमान अव्वल तो वो जगह है कि जब नबी कायनात मेराज को जा रहे थे तो मेराज की रात आसमानों की सफर यही से शुरू करवाया था, और नबी कायनात को अल्लाह ताला ने रूहानी तौर पर मेराज नहीं करवाया बल्कि जिस्मानी तौर पर मेराज कर। यहां पर नबी कायनात के कदम पहुंच चुकी है, यहां निशाने कदमे पाके मुस्तफा आ चुका है, और जहां कदम की पहुंच होगी, जहां कदम का मस्किन होगा, जहां कदम का घर होगा, वहां उनका घर नहीं बनेगा, वहां उनका मस्किन नहीं बनेगा। हजरत मलकुल मौत कहते हैं कि एक आसमान समुद्र के साथ वो आसमान पर सफर ने यही जवाब दिया, हे मलकुल मौत, यहां नहीं रह सकते, यहां निशाना कदमे पाके मुस्तफा है, और यहां कह जहां निशाना कदमे पाके मुस्तफा हो गया, जहां कदम की पहुंच होगी, जहां कदम का मकसद होगा, यहां रूह का घर नहीं बना सकते, यहां रूह का मकसद नहीं बना सकते। हजरत मलकुल मौत हैरान और परेशान होकर के अर्श मोहल्ला पे जा रहे हैं, अर्श मोहल्ला नबी की रूह लेकर के आया हूं, जरा रखने की जगह दे दे। अर्श मोहल्ला ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, हे मलकुल मौत, होश में आओ, अरे अर्श मोहल्ला में कैसे रख सकते हो, अर्श मोहल्ला से दे देता है। जब नबी के कायनात मेरा से वापस हो रहे थे, अर्श मोहल्ला को हूरों की तकसीम करवाई थी, और हूरों की तकसीम